दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मेरा नाम है राहुल शर्मा। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट एक अपचयन पढ़ रहे हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा 12th क्लास में। तो आज हम ये अपचयन देखेंगे, ये पक्का आता है। तो देखो, ये क्या होता है, कीटोन को आइसोप्रोपिल एल्कोहल में, क्या कीटोन को आइसोप्रोपिल एल्कोहल में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। इसे ही क्या बोलते हैं, मीरवाइन पुंड्राफ वर्ली अपचयन कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई? तो देखो एक बार, पहले तो कीटोन का फॉर्मूला लिखो। तो जब आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या आ गया, आर आ गया, ठीक है ना। तो जब कार्बन है वो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, और कार्बन की दो संयोजकता एल्केल से, तो इसे क्या बोलते हैं हम, कीटोन। तो इसका नाम क्या है, कीटोन है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, ये किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं, ये भी बोल सकते हैं हम। क्या है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल का फॉर्मूला होता है, देखो एक बार, CH इसके साथ OH, और यहाँ पे दो CH3 जुड़ा हुआ हो, मतलब आइसो ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो इसे क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और दूसरा क्या है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का सूत्र होता है CH3, मतलब ये 2 लिखा तो मतलब 2 है, और यहाँ पे क्या आएगा, CHO3Al। तो इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम आइसो प्रोपोक्साइड है, ठीक है ना। इसके द्वारा क्या हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे जब अपचयन होगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया, ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा एल्कोहल है और एल्यूमिनियम आइसो प्रोपोक्साइड है। याद रखना, रिडक्शन हो रहा है तो कौन जुड़ेगा, एच जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा, एच। तो बनता क्या है, आर सी आर या ओ, टूटा है बॉन्ड, ठीक है ना। और दूसरा, अब यहाँ से दो एच हैं, तो एक एच तो इसके साथ जुड़ेगा, एक एच इसके साथ जुड़ेगा। यदि फिर भी नहीं आ रहा तो समझ, देखो H2 है, जब टूटेगा H पॉजिटिव और H नेगेटिव में टूट जाएगा। तो नेगेटिव वाला है वो तो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा H, और पॉजिटिव वाला है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा, एल्कोहल। क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो ये कौन से एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है। कौन से एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल, इसको द्वितीयक एल्कोहल क्यों बोला, देखो ये एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह ओ एच होता है, ओ एच द्वितीयक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, तो उसके क्या बोलेंगे, द्वितीयक एल्कोहल बोलेंगे। और यहाँ से जैसे ओ एच के साथ ये कार्बन द्वितीयक कैसे हुआ, तो कार्बन की 4 संयोजकताओं में से 2 संयोजकता किसके साथ जुड़ी हुई है, एल्किल के साथ। तो ये कौन सा कार्बन हुआ, द्वितीयक कार्बन। कौन सा कार्बन हुआ, द्वितीयक कार्बन। और द्वितीयक कार्बन के साथ एल्कोहल जुड़ी हुई है, तो क्या बोल दिया हमने, द्वितीयक एल्कोहल बोला, ठीक है ना। तो याद रखना, जब कीटोन रिएक्शन करेगा, या कीटोन का आइसोप्रोपिल एल्कोहल या एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंट में रिएक्शन हो रही है, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन होने से क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। इसे ही क्या बोलते हैं, मीरवाइन पुंड्राफ वर्ली अपचयन कहते हैं, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको समझ में आया है तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं, नहीं आया है तो मुझे फिर भी बताएं, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। और यदि आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। सो थैंक्स, वंदे मातरम, जय हिंद।